बिना ओटीपी के कैसे पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में बताऊंगा आपको, गजब की जानकारी दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो के, और बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग क्या करते हैं जब इंस्टेंट ई पैन डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे ओटीपी मांगता है, लेकिन आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप लोग बिना ओटीपी के पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं इंस्टेंट ई पैन। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है, सिंपली आप लोग ये वीडियो को जरूर देखिए, पूरा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको गूगल पे आना, सर्च कर लेना ई फिलिंग 2.0 इनकम टैक्स का जो ये साइट है, इसके ऊपर क्लिक कर देना। दोस्तों आप लोग एक बात याद रखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरह का आप लोग जो है ओटीपी से डाउनलोड करोगे पैन कार्ड, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा बिना ओटीपी के कैसे डाउनलोड करोगे। सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे जो है यहाँ पे एक ऑप्शन स्क्रॉल करके जाओगे, इंस्टेंट ई पैन का मिल जाएगा, इसके ऊपर आप लोग को क्लिक कर देना। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा जो कि पैन नंबर का, जहाँ से पैन नंबर जेनरेट होता है। तो सिंपली नीचे स्क्रॉल करके जाओगे, यहाँ पे चेक स्टेटस एंड डाउनलोड पैन का ऑप्शन रहेगा, इस पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे यहाँ पे जो है आधार कार्ड का नंबर एंटर करने को बोलेगा, कंटिन्यू पे क्लिक करने को बोलेगा। जैसे इतना करोगे तो आपको क्या करेगा, जो कि आधार का ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी डालने के बाद में आपको ईमेल वेरीफाई करके डाउनलोड कर लेना, अदरवाइज वैसे ही डाउनलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से डाउनलोड हो गया, अब ये जो सिस्टम है ओटीपी वाला, अब मैं आपको बता रहा हूँ बिना ओटीपी वाला। जी हाँ दोस्तों, आपको बिना ओटीपी के कैसे डाउनलोड, दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पे होम पे क्लिक करके, होम बटन पे क्लिक करके होम को चले जाना। अब जैसे ही होम पे जाओगे तो नीचे यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारा ऑप्शन मिल जाता है। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करना और यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर के ऊपर आपको क्लिक कर देना। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो दोस्तों इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, नीचे सिंपली स्क्रॉल करके जाना, यहाँ पे आपको एक मेल मिल जाता है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, ई फिलिंग वेब मैनेजर इनकम टैक्स .gov.in। दोस्तों इनको आप बता सकते हो कि जो आधार से हमारा रजिस्टर मोबाइल नंबर है तो वो हम लोग का लॉस्ट हो चुका है, आप हमें पैन कार्ड का PDF भेज दीजिए, मेल एक लिख दीजिएगा, तो आपको PDF दे देंगे विदाउट एनी OTP। आप लोग सिर्फ पैन कार्ड का अगर नंबर पता है तो बताइए, अदरवाइज नाम डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन कर देना, आपको वो PDF भेज देंगे। सो दोस्तों इसी तरह आप लोगों को ये जो इंस्टेंट ई पैन है डाउनलोड करने को मिल जाएगा बिना OTP के। लेकिन आप लोग जो है NSDL से अगर पैन कार्ड किए हैं और अगर UTI से पैन कार्ड किए हैं तो आप लोग वो पैन कार्ड को कैसे डाउनलोड करेंगे, इस वीडियो में तो बताने से बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं अगले प्रोसेस में नेक्स्ट में आप वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा कैसे आप लोग NSDL UTI का पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊँगा NSDL UTI का पैन कार्ड डाउनलोड करने का, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।